वहाँ हुनुहुन्छ राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 8 का एक असहाय व्यक्ति। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट विश्व भयभीत र त्रसित भइरहेको अवस्थामा र विश्व आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाल पनि लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति सरकारले महसुस गर्यो र यसै क्रममा आज 11 दिनसम्म नेपाल लकडाउन भएको छ र अहिले हामी छौँ राजविराज नगरपालिका, सप्तरी जिल्लाको राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा। र मैले तपाईँलाई यो भिडियो किन देखाएँ भनेर तपाईँहरू भन्नुहोला। उहाँ एक अपाङ्ग व्यक्ति हुनुहुन्छ। मानवता भइसकेपछि त केही बाँडौँ, हामी आफ्नै घरबाट पनि पुँजी लगाएर गरौँ, भोलिको दिनमा मरे नि के थाहा हुन्छ र भनेर एउटा चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्दा चाहिँ साथीहरूले पनि के भन्यो भने होइन यो सोच चाहिँ धेरै राम्रो छ, हामीले गरौँ भनेर। अब कोही साथीहरूले कतिपयले कोही 500, कोही 100, कोही त्यसरी नै सहयोग गरेका छन् र हामीले आफ्नो घरबाट जुन तरिकाले अलि सामानहरू जुटाउनु त धेरै गाह्रो नै भयो। पैसा भन्ने चिज त अब हामी सबै साथीहरू सब विद्यार्थी मात्र परियो, यदि कोही व्यवसाय त्यस्तो भइदियो भने त्यति गाह्रो हुन्थेन होला। अहिले म तपाईँलाई देखाउँदैछु भिडियोमा, यहाँ भिडियोमा देखाएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ, असहाय हुनुहुन्छ। र एकजना महिलालाई पनि देखाइरहेको छु, उहाँ बोल्न सक्नुहुन्न। र यस्तो अवस्थामा श्रमजीवी गरेर खाने यो परिवार कसरी बाँचिरहेको छ भन्ने कुरा म उहाँसँगै केही कुराहरू उहाँबाट केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। अहाँको नाम कति भेल? मणिलाल यादव। मणिलाल यादव, घर कता? वार्ड नम्बर 8। अहाँ के बच्चा बुझी कैटा छे, धियापुता कैटा छे? तीन टा धियापुता। कतौ रहै छे उसब? एकटा घरे में। उसब कोन काम करै छे, कोन पैसा करै छे? अखनी तो एकटा पढ़ै छे सर, एकटा गाड़ी चलबै छे। कते उम्र के छे उसब? एकटा 20 का, एकटा लगभग 18 का, एकटा बच्चा छे 8 क्लास में पढ़ै। हां तो सामने में जे खड़ा छे महिला, उ के छे? हमर परिवार। परिवार भेलै तो अहाँ के परिवार केहन अवस्था में छे? ये भूख से सर, कान नहीं सुने। कान नहीं सुने छे। अहाँ सब केना के गुजारा करे छलिए अते दिन पहले? कनीटा दुकान करे छे सर, वही सब। दुकान कथी के दुकान? कनीटा पान के दुकान। पान के दुकान, अखन त पान के दुकान बंद छे? जी बंद। तो अखन केना गुजारा कर रहल छिए? अखन सर है ना उधारे पुधारे। अवस्था की छै? ई पहिले लकडाउन होइ छलै कहि कऽ पता छलै कि नहि छलै? एते दिन तक लकडाउन हेतै कहि कऽ था छलै कि नहि छलै? था तऽ नहि छलै सर, था तऽ न लकडाउन भेलै तब न था भेलै। पहिले सँ लकडाउन के लेल पहिले तैयारी करके पैसा वैसा ओरिया कऽ राखने छलै कि नहि? की राखबै सर, कमबै छियै कनिटा दोकान जे बस बाल बच्चा खाइ छै। दिन मे कते आमदनी होइ छलै? 500-600। 500-600 में सब परिवार के सब गोड़े के पालन पोषण वही में होइ छलै। आ एक गोड़े जे बच्चा गाड़ी चलबे छै, ओकर अखनी त गाड़ी नै चलै छै, आमदनी बंद भेल हेतै, ओ केना के गुजारा करै छै? एक सब परिवार एक ठाम रहै छै कि अलग अलग रहै छै? कोई एक ठाम रहै छै। क्या गोड़े के परिवार छै अखनी? 5 आदमी। 5 आदमी के छै, कुल मिला के 5 टा बेटा कैटा बेटी कैटा? बेटा के परिवार छै, छ परिवार जमा भेलै। अखन तऽ बहुत समस्या होइत हेतै? बहुत समस्या। कोई कोई सहयोग केलकै कि नहि केलकै? कोई नहि केलकै सर, एकटा इतना याद जेपी बाबू। जेपी बाबू एकटा उदार दिल के छलै, एकदम बढ़िया मन के छलै, जेकरा कहै छै कि एहन दुख के घड़ी में जे सहयोग करै छै तऽ एकटा पानो दए दै छै तऽ दुख के घड़ी में अमृत बनि जाइ छै ओ। आ सुख के घड़ी में तो सब कोई अपन जगह में छे, सुख में सब साथी, दुख में न कोई कहे छे। हाँ सब गेलिए ना ओकरा ले सहयोग लेके लागि? गेल रही सर, एक ना तो कल के जा अखने नहीं आयल छे, राहत यते तो कहो के कर तो कर। एहिठाम राहत वितरण में आयल छे, जेपी बाबू केन सहयोग केल के? बाबू हमरा तो कदी मरी तकर बाद में चावल, तेल, तेल, आलू, आलू, सोयाबीन,
कते दिन से अहाँ के एक पैर नहीं से पैर देखो तो कनी जे कटल से पैर ये पैर कौन कारण से कटल से सर घाव भेल रे घाव रा कटल घाव भेल छले कते दिन पहले 15-20 बरस पहले से भेले उ कत जाके एकर इलाज भेल छले कत काटल गेल छले दरभंगा में त अते दिन से अहाँ एकटा एहन एकटा टांग नहीं छे कते समस्या हेतै त एकटा पान के दुकान करि के अहाँ गुजारा करै छलिए त अहाँ सहयोग करे वाला सबके की कहला चाहै छियै केना के सहयोग मांगै छियै एकटा कहि दिए जे आदमी सब अहाँ के अवस्था देख के कोई सहयोग करे जे सर हमरा सहयोग करै छै तऽ हमरा जे भगवाने ने हेतै सर जे एहन एहन के जे सेवा करने से तऽ ओ तऽ हमरा जे आओर तऽ भगवान अखन अहाँ के स्थिति की छै घर के खेनाइ पिनाइ के की कमी कमजोरी छै से सारा चीज सब अहाँ कहि दिए तब सर अखने तऽ कनी तकलीफ छै उधार पधार एहन के बस उधार उधार लै के लेल दै छै लोक सब उधार दै छै दै छै एहन घड़ी में अहाँ सहयोग चाहै छियै ओ तो बजे नहीं सके से की कहबे ने धियापुता सब तो सही छे ना बोले छे सब लक्ष्मी देवी बुआरा नाम को राजेंद्र ठाकुर गोत कह के रहे अपांग दुनू घर वाले घर वाला दुनू अहाँक असहाय छे ओहि सबके अहाँ रो सहयोग करे लए चाहै छिए तो हमर नंबर 98512-09267 हमर नाम जेपी यादव भेल हम एकटा युवा समाजसेवी समाजमे कुछ अनूठो प्रविधिके कुछ समस्या चल आबै छै तऽ हम नहि रह सकै छियै ओकरा केना के सावधान करल जेतै तऽ ओहि बाटोमे हम लागै छियै र आइ जे हम सोचै छियै से आइ तलिक हम अपना हिसाबसँ करने छियै विगत दिनमे अहाँके बाढ़ि पीड़ित भेल रहै ओहोमे अहाँके हम काठमाण्डूसँ राहत आनिके बाँटने रहियै तर एवरी तऽ अपने गाम घरमे रहियै अपने गाँवठाम हमरा असहज लागि गेलै कि हमरा पास कुछ छै तऽ हम सहयोग करी तऽ अहाँ आरो सहयोग करय लए चाहै छियै जे सक्षम आदमी सब छियै से सब ई अपाङ्गक जुन अपाङ्ग घरो बाली अहाँके नहि सुनै छै घरो वालाके टाँग कटि गेल छै ओहि परविधिके ई अहाँके मणिलाल गोत कहलियै ओकरा बहुत अहाँ आरो एक देख दिए पड़तै से कहिते एहि कार्यक्रम हम अखन तलिक ई कार्यक्रम नहि सकल छै आदमी सब निरन्तर जारी नहि छै हम देशव्यापी सम्पूर्ण देशव्यापी सबके ई कहय लए चाहै छियै देश आम जनता सबके ई कहय लए चाहै छियै जे सक्षम छियै संसारमे कुछ लए कऽ नहि आयल छियै कुछ अपन छवि छोड़ि कऽ जाउ हस्त नमस्कार।